पुरुषोत्तम मास अध्याय 28वां कदरी ब्राह्मण गोलोक में। सुत पुराणी जी बोले, हे शौनक आदि मुनियों, भगवान नारायण ने जो कथा नारद जी को बताई थी वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप इसे सुने। कदरी ब्राह्मण के अपने पाप कर्मों के कारण अपना काफी समय प्रेत योनि में पसार करना पड़ा। अपने अगले जन्म में कालजर नामक पहाड़ में इंद्रकुंड निकट आए मृग तीर्थ में वानर के रूप में अवतार लिया। यह सुनते ही नारद जी को आशंका हो गई। उन्होंने भगवान नारायण से पूछा, यह दुष्ट आत्मा प्रेत योनि में रहते हुए किस तरह ऐसे पवित्र स्थान पर पैदा हुआ? वही आशंका का समाधान करते भगवान नारायण, जो नारद जी को बताया था वह मैं आपको बता रहा हूँ। कदरी ब्राह्मण पापी आत्मा था, फिर भी उसने एक पुण्य का कार्य हो गया। पुरुषोत्तम मास में एक वैश्य दंपति ने व्रत लिया था, व्रत उद्यापन था। उस वक्त वह ब्राह्मण के साथ धन का लोभ कर वहां गया था। वह दिन उसने भगवान श्री पुरुषोत्तम के दर्शन हो जाने से वही पुण्य बल से यह पवित्र स्थान में बंदर स्वरूप जन्म हुआ था। भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। बाद में उन्होंने उन्हें मदद करने वाले वानरों को आशीर्वाद देते कहा था कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें फल फूल मिलते रहेंगे, वहाँ के पेड़ फल फूल से सदा भरपूर रहेंगे। यहाँ भी फल फूल की कोई कमी नहीं थी, मगर कदरी को जो जानवर के रूप में पैदा हुआ था उसके अपने पेट की बीमारी हो गई थी। वह फल खा नहीं सकता था, उसका शरीर अब अशक्त हो चला था। एक दिन वह पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर कूदने गया, मगर यह क्या, वह नीचे गिर गया और अपनी हड्डी तोड़ बैठा। अब वह चल सकता नहीं था, बेबस ही आ गई थी। एक मास वहाँ का वहाँ पूरा हो गया बिना कुछ खाए न पिए। उस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा था। एक दिन वह फल खाने की इच्छा से एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही एक फल को पकड़ने गया, मगर वह अशक्त होने के कारण नीचे आ गया और कुंड में जा गिरा और पानी में मर गया। अब बात यह बन गई, पुरुषोत्तम मास उपवास और पानी के कुंड में मर जाना। अतः भगवान विष्णु के पार्षद अपने विमान के साथ वानर को लेने आए। वानर हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, आप मेरे कौन से पुण्य बल से कारण आप मुझे लेने आए हो? अतः पार्षदों ने बताया, हे वानर, तुमने अनजाने में न होते हुए पुरुषोत्तम मास में उपवास किया और आखिर में पानी में कुंड में तुमने स्नान किया है, वह सब से तुम्हारा पुण्य हो गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो। पार्षदों ने यह बात सुनते ही वानर खुश हो गया। पार्षदों ने उसे भगवान विष्णु जी के सामने पेश किया। देवों ने वानर का सम्मान किया। पुरुषोत्तम मास वार्ता 28 वैकुंठ धाम की यात्रा। नदी के तट पर अच्छा सा गांव था। वहां एक पटेल अपने चार बेटों के साथ रहता था। पटेल ने अपने बेटों की शादी कर डाली। पटेल की पत्नी 5 साल पूर्व मर चुकी थी। पटेल के बेटे अपने खेतों में, बहुएं अपने घर में और खुद पटेल अपने घर के आगे चौपाई पर बैठकर प्रभु भजन कीर्तन करता था। इस दौरान कोई मेहमान आ जाए तो पटेल स्वागत करता था, अपनी शक्ति मुताबिक दान देता था, आने वाले को भोजन देता था, साथ साथ घर संसार को भी संभालता था। पटेल भोला था, अपने दिल में कपट नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे में पुरुषोत्तम मास आया, पटेल ने व्रत किया। सुबह होते ही नदी जाना, स्नान करना, बाद में काठा गौरमा जी का पूजन, कथा सुनना, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना और फिर घर आने के बाद सिर्फ एक वक्त का भोजन लेना और समय मिलते ही पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता। अपने यहाँ कहा जाता है, जो भोला है भगवान उसके है। इसी तरह एक दिन भगवान पुरुषोत्तम पटेल की भक्ति से प्रसन्न हुए और अपना रूप बदलकर भिखारी बनकर आए। कुछ देने के लिए बात करने लगे, तब पटेल वहाँ थे। खड़े होते हुए अपनी चौपाल में गेहूं का ढक था। पटेल देर से एक बर्तन में गेहूं लिए और देने लगे। तब भिखारी बोला, अगर आप देना ही चाहते हो तो सारा ढक दे दो। इधर पटेल बड़े दिल वाले थे। वह बोला, अरे भाई क्या बड़ी बात है, ले जाओ सारा ढक ले जाओ। अगर अपना ठिकाना बता दो तो मैं आपके घर ये सब छोड़ जाऊंगा। और बाद में भगवान राजी होते अपना हाथ ढक पर रख दिया। तब चमत्कार हो गया, सारे गेहूं अब मोती बन गए। पटेल समझ गया कि यह केवल भगवान ही कर सकते हैं। आज प्रभु मेरे आंगन में पधारे हैं। पटेल तुरंत प्रभु जी को नमस्कार कर बैठा। भगवान बोले, हे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहो वो मांगो। तब पटेल बोला, प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, संपत्ति में भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरी इच्छा है अब सदैव वैकुंठ की यात्रा करनी है, वह पूर्ण करो। बाद में भगवान पटेल को विमान में बैठाकर गोलोक ले गए। वहां जाकर पटेल ने ब्रह्मलोक, पाताललोक, इंद्रपुरी और अक्षरधाम देखा।
इधर पटेल के पुत्र ने अपने पिताजी की तलाश की, मगर पिताजी कहाँ से मिलने वाले थे। पिताजी तो जीते जी वैकुंठ की यात्रा पर निकले थे। कुछ दिन पिताजी की तलाश होती रही मगर मिले नहीं। आखिर बेटों ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, हमारे पिताजी कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है, अब हम क्या करें। ब्राह्मण ने कहा, अगर आपके पिताजी जिंदा हो तो 11 दिन वह अवश्य आएंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझ लेना वह मर गए, और जो धार्मिक कार्य है वह संपन्न कर देना। 1, 2, 3 आखिर 11 दिन समाप्त हो गए। 12वां दिन पटेल के पुत्रों ने अपनी दाढ़ी मूछ कटवा दी और पिंडदान की तैयारी कर दी। अचानक आसमान से विमान आया, विमान में से अपने पिताजी को आते हुए देखा। पिंडदान के लिए बैठे पटेल पुत्र समझे कि मानो कोई भूत आ गया है और चिल्लाने लगे, भूत भूत। बाद में क्रिया छोड़कर भाग गए। पटेल भी चिल्लाया, अरे मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा बाप हूँ और जिंदा हूँ। मैं तो वैकुंठ धाम की यात्रा के लिए गया था, आज लौटा हूँ। पटेल ने अपनी बात समझाने की खूब कोशिश की मगर किसी ने बात न मानी। किसी ने सवाल भी किया, क्या कोई अपने शरीर के साथ वैकुंठ धाम गया है भला। मगर पटेल बोला था, धार्मिक विचार वाला था, अतः कुछ ब्राह्मण बोले कि अगर आपके बात में दम है तो हमें भी स्वर्ग यात्रा कराए, वरना हम मानेंगे कि आप मर गए और आगे आपकी एक भी नहीं चलेगी। तब पटेल ने भगवान पुरुषोत्तम जी को याद किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, यहाँ सब मेरी परीक्षा करना चाहते हैं, हे दीनानाथ, गरुड़ पर सवार होकर मेरी सहायता करें। इधर भगवान ने पटेल की अर्जी सुनी और अपने गरुड़ पर सवार होकर आ गए। सामने खड़े प्रभु को देखकर पटेल ने एक बार प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन लोगों को अपनी यही जीवन में स्वर्ग की यात्रा कराए, वरना ये सब मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। भगवान बोले, भक्त वैकुंठ के दर्शन पुण्यशाली को ही होते हैं। भक्त की जीत के आगे भगवान को अपना मत बदल दिया। वह बोले, जो वैकुंठ आना चाहते हैं वह एक दूसरे के पैर पकड़ ले, बाद में चलो। भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया, पटेल ने गरुड़ के पैर पकड़ लिए। इस तरह पटेल के साथ साथ ब्राह्मण आकाश की तरफ उड़ने लगे। जीते जी वैकुंठ देखने मिलेगा इस आस्था के साथ खुशी छा गई। जिस ब्राह्मण ने पटेल के पैर पकड़े थे उसे लड्डू जरा ज्यादा ही पसंद आते थे। वही ब्राह्मण ने पटेल को पूछा, पटेल जी, वैकुंठ में लड्डू मिलेंगे ना। पटेल ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं मिलेंगे। पटेल का उत्तर पाते ही ब्राह्मण ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, अरे भाई, लड्डू भरपेट मिलेंगे। बाद में पटेल ने जवाब दिया, भाई वहाँ इतने सारे लड्डू होंगे, बस जी भर के खाना, डरना नहीं, खाते जाना। अब ब्राह्मण के मुख में पानी आ गया। वह बोला, मगर वहाँ कितने लड्डू मिलेंगे जरा बता तो दो। तब पटेल ने कहा, इतने सारे। और फिर जैसे ही हाथ खुल गए बस आसमान से सब छूटे और नीचे आ गए, मानो एक धमाका हुआ, सब ब्राह्मण मर गए, एक पटेल बच गया। वह रोने लगा, साथ में भगवान को बोलने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे ब्रह्महत्या के पाप में डाल दिया, अब आप बचा लो वरना मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। बाद में पटेल ने सूखी लकड़ियां तैयार की और अपने आप को आग में जला देने का तय किया। बस जलने ही वाला था तब भगवान ने अमृत की जल की 2-4 बूंदे मृतकों पर डाल दी। वहां चमत्कार हुआ, सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। इस तरह पटेल ने पुरुषोत्तम भगवान की निष्काम भक्ति से जीते जी वैकुंठ यात्रा की और भगवान के दर्शन भी करे और ब्राह्मण भी भगवान का दर्शन कर सके। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।